किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक है तो आपको जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त जारी करने की तारीख तय हो गई है। किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए है। अब तक केंद्र सरकार ने भारत में 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए है। केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। सरकार ने बस कुछ ही दिन पहले 1 जनवरी 2022 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अंतिम किस्त नहीं मिली है तो आपको अगली किस्त के साथ पिछली राशि भी मिल जाएगी, यानी किसानों को 4,000 रुपये सीधे उनके खातों में। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। किसानों को बस इतना करना है कि पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और आवेदन करे। यदि आपका आवेदन स्वीकार लिया जाता है तो आपको 2 किस्तों का पैसा एक साथ आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। सरकार ये रकम किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप भी सरकार की स्कीम का फायदा उठा सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 साल का कोई भी किसान फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत किसान के पास अधिक से अधिक 2 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक पैसा देना होता है। ये किसान की उम्र के हिसाब से तय होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।